वकास भाई जरा केजी में बताइए कितनी गाड़ियां तकरीबन आ जाएंगी, ये छोटी केजी गाड़ियां, में छोटी वाली जो है ना 25 से 27 गाड़ियां ये वाली जाएंगी। गाड़ियां, जी 25 से 27 गाड़ियां आ जाएंगी, तो जी एक गाड़ी एक जो गाड़ी तकरीबन तकरीबन 60 रुपए की 65 रुपए की पड़ती है, ये 60-65 रुपए की और एक जिसमें गाड़ी आप पड़ेगी बता आपको, रहे एक मतलब एस्टिमेटेड वो बता रहे हैं, आइडिया मतलब आपको दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी बड़ी? और इसमें में बड़ी साइज है वो आपको तकरीबन 100 120 रुपए की पड़ती है ये वाली, जी, ये मेटल है। मेटल है ये भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिद मीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कराची मैन। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है शेरशाह गोदाम की वीडियोस बनाने के हवाले से, तो आज फिर मैं शेरशाह गोदाम में मौजूद हूँ। खिलौनों का ये गोदाम है और यहाँ पे केजी के हिसाब से जो है ना वो खिलौने सेल किए जाते हैं, और यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है ना मतलब गाड़ियाँ जो है उनको सेपरेट किया हुआ है, उनके पैकेट्स बने हुए हैं अलग से, और बाकी जो एजुकेशनल हैं और छोटे मोटे और जो खिलौने होते हैं उनके पैकेट्स जो हैं इन्होंने अलग से बना के रखे हुए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाय, वकास भाई, खैरियत से अल्लाह हैं? का करम। चलें बताइएगा ज़रा खिलौनों के हवाले से। ये कार्स के पैकेट है, ये 100 1 kg 1.5 kg का है, ये प्लास्टिक में है और अच्छी गाड़ियां हैं, साफ सुथरी हैं। ये आपको 1200 रुपये kg पड़ेगा, और बारह इसमें सौ जी, रुपये केजी, और ये मेटल वाली है, ये 1500 kg है, 1500 रुपये kg है, इसमें कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होगी, साफ सुथरी चमकता हुआ होगा। इसका क्या रेट बता रहे? ये मेटल वाली है, ये 1500 रुपये kg है अच्छा ये सब मेटल, हाँ बहुत भारी है ये तो, 1500 रुपये केजी, जी। ठीक ये है। कलेक्टर है, और ये 750 रुपये kg है, 750 रुपये केजी, ये सब ये प्लास्टिक में है? सिर्फ कलेक्टर, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो अलग अलग वैरायटी है, अच्छा इसमें सिर्फ प्लास्टिक कलेक्टर मेटल के सब लिए। होगा। और ये जो है ना छोटी बारबी कहलाती है, डॉल हाउस वगैरह में जो लगती है, ठीक ठीक है, है। और इसका क्या रेट है? ये भी 750 रुपये 750, तो कम से कम कितना लेना होगा? मिनिमम, बाकी मैं आपको ये दे रहा हूँ दिखा यार, वो एनिमल्स का दे दो, ये एनिमल्स का है पैकेट, अच्छा ये भी 750 रुपये किलो वाला, ये है कहाँ का सारा माल? सारा अमेरिकन माल है, सारा अमेरिकन है। ठीक है। बाकी ये जो टॉयज है ना, बाकी ये टॉयज झुनझुने वगैरह, ये छोटे छोटे डॉल हाउस, किचन सेट, ठीक है, रखिएगा गिरे ना, यूं ही दिखा देता हूँ। सही है, ये दिखाएं, इसका क्या रेट है? ये 450 रुपये kg, 450। इसमें कोई टूटा फूटा कुछ भी कुछ नहीं भी हो, कोई टूटा फूटा जितने भी नहीं, पैकेट्स आपने बनाए हैं सब बिल्कुल ओके एक माल एक है, चीज छाट छाट के साफ सुथरी होगी। इसीलिए रेट ज्यादा है आपके, क्योंकि यहाँ 350 250 भी मिलता वो है रेट। मिक्स माल होता है, उसमें टूटा हुआ भी होगा, हर चीज होगा, आपका मिक्स होगा, इसमें जाया होने वाला कोई आइटम नहीं है, इसमें जाया होने वाला सब कोई आइटम, बिकेगा ये। सब आइटम इसमें, किचन सेट भी होंगे, डॉक्टर सेट भी होंगे, और हाउसेस होंगे छोटे वाले, हर चीज होगी। ठीक है, ये सब एक ही रेट है, 750। ये 450 वाला है, ये वाला, ये सारे जो बताए ना, वो जो 3 आइटम जो बताइए ना, वो उसको अलग छोड़ के बाकी सारे के रेट है ना 450 रुपये। इन तीन का है, हाँ, एनिमल्स, कलेक्टर और गाड़ियाँ और बारबी, सही है। इनके अलग रेट है, बाकी ये सब 450 रुपये के रेट। अच्छा उनके अलग अलग रेट हैं, हाँ इनका सबका 450 है। हाँ ये सारा मिक्स आइटम है, ये सारा ये देखिए, किचन सेट है, डॉल हाउस है, टोपी वगैरह, अच्छा कोई भी पैकेट। अब क्वांटिटी भी तो बताएं आप, कम से मिनिमम कम 30 kg का ऑर्डर होना चाहिए, 30 kg कम से कम लेना होगा जी, 450 रुपये रेट है। और क्या आइटम है? अच्छा ये आप छांटी कर रहे हैं, जी। बाकी हमारा ब्लॉक होते हैं, ये इसमें से आप वेस्टेज निकाल देंगे जो भी सारी है, वेस्टेज निकाल और लेंगे, फिर ये पैकिंग में पैक कर देंगे आप, रेडी। केजी ठीक है। और वकास भाई जरा केजी में बताइए कितनी गाड़ियां तकरीबन आ जाएंगी, छोटी गाड़ियां, में छोटी वाली जो है ना 25 से 27 गाड़ियां ये वाली जाएंगी गाड़ियां, जी 25 से 27 गाड़ियां आ जाएंगी, तो जी एक एक गाड़ी गाड़ी तकरीबन, तकरीबन 60 रुपए की 65 रुपए की पड़ती है, ये 60-65 रुपए की और एक जिसमें गाड़ी आपको पड़ेगी बता आपको, रहे एक मतलब एस्टिमेटेड वो बता रहे हैं, आइडिया मतलब आपको दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी बड़ी? और इसमें में बड़ी साइज है वो आपको तकरीबन 100 120 रुपए की पड़ती है, ये वाली, जी, ये मेटल है, मेटल है ये भी। 100 120 की पड़ेगी ये तकरीबन, दो 2.5 किलो का पैकेट है, 2.5 किलो में आप गाड़ियां देखने के चाहिए इसमें,
ढाई किलो, इसका रेट क्या था? 1500 रुपये, ठीक है। और ये प्लास्टिक, प्लास्टिक वाली 1200 रुपये, 1200 रुपये पर केजी। और लेकिन अगर क्वांटिटी पे रेट अलग होते हैं, ये तो एक एक पैकेट का रेट है, क्वांटिटी वाइज जो होती है ना। ये एक केजी का रेट बता रहे हैं आप? ये एक केजी का नहीं समझे, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा। अगर कोई 50 केजी लेता है तो रेट क्या होगा? 50 केजी के रेट अलग होंगे। क्या रेट होंगे 50 केजी बताएं? ज्यादातर लोग एक केजी थोड़ी कोई भी लेगा। नहीं तो 50 केजी आप लोगे तो ये आपको 1000 रुपए का पड़ेगा, ये भी 1000 रुपए का पड़ेगा, दोनों एक एक 1000 रुपए के। 1000 रुपए में दे देंगे। सही है, कम से कम 50 केजी लेना, मिनिमम 50 केजी। इसमें मेरे पास बड़ी गाड़ियां भी होती हैं। सही है, तो ये इसका बड़ी गाड़ियां हैं। इसमें कितनी आ जाती है तकरीबन? ये तकरीबन ये भी 65-70 रुपए की पड़ती है। अच्छा हाँ चलो। अच्छा आपको जो रेट स्टार्ट में बताए गए हैं वो एक केजी के हैं, ठीक है? जिसने मतलब कम क्वांटिटी लेनी है, एक केजी जो है वो अगर प्राइस परचेज करना है तो उसके रेट फिर कुछ और हैं, और अगर 50 केजी या 25 केजी इस तरह से लेना है बल्क में तो उसके रेट फिर कुछ और हैं, जो कि एंड में वीडियो में बता दिए गए हैं। ठीक है जी, ये क्लियर है?